तो ये जल्दी से बाबा नाश्ता करना है और फिर जाना है भटवाड़ों, क्योंकि वहाँ पे आ रहे हैं हमारी गौ सारे के लिए बाबा चद्दर। और जो हमारा नाश्ता है वो है दही टमाटर की चटनी और रोटी। तो चलो दगड़ियों जल्दी से रोटा खंदा हुआ और फिर पहुँचने भटवाड़ों किले की वो हम हमारी गाड़ी आने। तो आ गई है हमारी गाड़ी और ये चद्दर उतारने के लिए मैं चढ़ रहा हूँ टैक्सी की छत में, जो कि हम ले गए थे बुकिंग में। और उधर से बस के कंडक्टर पकड़ा रहे थे, इधर से मैं जो है गाड़ी के छत में डाल रहा था। और धूप लगी थी काफ़ी तेज़, तो यार अब क्या करें, काम करना है तो करना है। धूप लगे, छांव लगे, गर्मी हो, ठंडा हो। तो ये उतार ली है हमने चादर अपने स्टेशन से, और फिर 1 किलोमीटर चढ़ाई पे लगभग हमें इसको चढ़ाना था, और मैं और भाभी इसको ला रहे थे। तो ये है वो बलि जिसको लेने में आ रखा हूँ, और बलि मतलब लकड़ी का पेड़ का तना। एक बलि वो होती है जो देवी देवताओं को चढ़ाई जाती है, और ये इतना बड़ा पेड़ है। तो भाई साहब, सिर्फ नाम के आगे पहाड़ी लिखने से कुछ नहीं होता, इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है जब जाके पहाड़ी कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको गौशाला में इसको रखने के बाद। आज से हम शुभारंभ करने वाले हैं चलगोड़ी ने अपनी इस गौशाला का। और यहाँ पे जो चद्दर वगैरह आ रखी है, जो बलिया वगैरह मैं ला रखा हूँ, इनको रखने की प्रोसेस शुरू कर देंगे। और कल सोमवार था, तो सोमवार के दिन ये एक बल्ली रखती है शुभारंभ, वैसे तो कल से हो गया है। और ये आज मंगलवार है, तो आज से हम इनको प्रॉपर लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने बताया, आज से हम अपनी गौशाला को जो है प्रॉपर पूरा बनाने का जो है काम शुरू करने वाले हैं। तो जो इसके लिए बलिया वगैरह हैं वो मैंने कल ला के रख दी है, कल सुबह से मैं ला रहा था। जैसे कुछ यहाँ पे रखी है और कुछ रखी है इधर रास्ते में, तो ये काम आज से हम करने वाले हैं शुरू। और ये जो हमारी गौशाला है, ये काफ़ी पहले बन के तैयार हो गई थी यार, लेकिन मैंने इसको जो है ब्लॉक से पास कराया था। ठीक है, अपने बीरोखाल ब्लॉक के थ्रू ये गौशाला के लिए अनुदान लिया था, तो वो पैसे आते आते थोड़ा लेट हो गया, इसलिए ये इतना लेट हुआ है। और आपको पता ही है सरकारी कामों में कितना टाइम लग जाता है। तो मतलब बन के रेडी तो हो गई थी ये फरवरी में, लेकिन अब जून में जाके पैसे मिल रहे हैं, तो अब हम इसको लगाना शुरू कर रहे हैं। और पहले मैं अपने पैसे इस पे लगा नहीं सकता था, नहीं तो पैसे आने में थोड़ा डिले हो जाता है। वैसे ही आप खुद ही सोच सकते हो कितना लेट हुआ है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जितना लेट हुआ लेकिन आए तो सही। और बस अभी पापा आ रहे हैं घर से, तो फिर उसके बाद इसको इसमें बलिया लगाना हम शुरू करेंगे। तो ये वो पत्थर वगैरह हैं जो इस गौशाला पे लगेगी, ये कुछ बलियाँ हैं जो हमें यहाँ पे लगानी है, और जो चद्दर है वो मैंने आपको दिखाई दी इसके अंदर हैं। और ये हमारी गौशाला सुल्तान के बिना बिल्कुल बेजान लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इसकी आत्मा चली गई हो। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग पूछ रहे हैं सुल्तान के बारे में, हर वीडियो में कमेंट कर रहे हैं, तो उससे पता चलता है यार कि आप कितनी इंटरेस्टेड होके उसकी वीडियोस देखते थे। और अब गौशाला का जो है नाप तोल शुरू हो रहा है कि इसमें कितनी लंबी बलिया लगेगी। Thank you.
एक ब्रेक ख़त्म होने के बाद अब दूसरा पार्ट जो है शुरू हो गया है चाय पीने के बाद। फोन पे आए कर हाय हाय हाँ ले दे हमने जाइए था तो सीधा आ रही नहीं तो जो आज के दिन का आधा काम है वो ये है हमारा, और ये लग गई है कुछ बलिया, कुछ लगाएंगे शाम को। अभी हो गया खाने का टाइम, तो घर से लग रही है आवाज़। तो चलिए सर अभी चलते हैं खाना खाने और बाकी काम करेंगे थोड़ी देर में, यानी लंच ब्रेक के बाद। तो यार रेस्ट ख़त्म होने के बाद अब फिर से जा रहे हैं काम पे। और आज का जो हमने टारगेट रखा है वो रखा है कि हम एटलीस्ट बलिया पूरी लगा दे, और जो चादर ठोकने का काम है वो चाहे बेशक कल हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है। तो बस जैसे जैसे उसका प्रोसेस होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। तो जो ये हमारी गौशाला है ये हमने बनाई है मिट्टी से और पत्थरों से, और जैसा कि पुराने मकान होते हैं अपने पहाड़ों में, बस थोड़ा मॉडिफाई ये किया है कि इसमें लोहे के दरवाजे और लोहे की खिड़की लगा रखी है, ठीक है। नहीं तो जो खिड़की दरवाजे होते हैं वो भी हम लोग ज़्यादातर लकड़ी के ही यूज़ करते हैं, तो उसमें ख़र्चा बच जाता था पहले, और अब थोड़ा मतलब बजट बढ़ा के लोहे की खिड़की लगाई है, लोहे के दरवाजे लगा रखे हैं। और चादर भी जो है ये बढ़िया हैवी क्वालिटी की है, ज़्यादा लोकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें रखनी है तो भैया उनकी सेफ्टी होनी भी ज़रूरी है, ठीक है। तो फिलहाल ये लग गई है एक दो तीन चार, चार बलिया लग गई है, दो इधर लगानी और रह गई है, बाकी उधर की छह बलिया हैं। तो जैसे ही पापा आ जाएंगे फिर यहाँ पे आगे का काम करेंगे शुरू, और मैं जल्दी से चाय चुई पी के आ गया क्योंकि मुझे थोड़ा बलियों को आगे से काटना पड़ रहा है, थोड़ी लंबी बन गई थी। तो दोस्तों बिल्कुल शाम हो गई है, और आज का जो हमारा काम है वो इतना है, मतलब आधे में बलिया लग गई है, आधे में इस साइड हम लगाएंगे कल, और इन बलियों में जैसी चद्दर रखी है ऐसे रख के इनमें ठोक देंगे कील, तो तैयार हो जाएगी फिर हमारी गौशाला, नई गौशाला। और बस मेरे ख्याल से कल बलि लगाने का काम हो जाएगा ख़त्म, और कल इवनिंग इस टाइम नहीं तो परसों मॉर्निंग में हम लोग जो है चद्दरों पे कील ठोकना कर देंगे शुरू, और
बस फिर बन जाएगी हमारी बढ़िया सी नई नई गौशाला, जहाँ पे कई चीज़ें सोच रखी है, तो देखो क्या कर पाते हैं। और बारिश का मौसम भी जैसे बन रहा है, लेकिन यार भगवान करे गौशाला बनने तक बारिश ना हो। बेशक गौशाला बनने के बाद जितनी मर्ज़ी बारिश हो जाए, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसीलिए जल्दी में कर रहे हैं ताकि जो अब आने वाली बरसात है उसके शुरू होने से पहले हमारी गौशाला बन के रेडी हो जाए। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखें।